तो अभी फ़िलहाल मैक्रोनी और थोड़ा सा अंडा ये चल रहा है। इसे कंप्लीट करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं जिसको। तो फ़िलहाल रब्दी मैर से मेरा थोड़ा सा ना हेल्थ थोड़ा सा सही हुई है, मतलब पेन नहीं हुआ जो बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग है। तो एक्सरसाइज तो कर नहीं पा रहा हूँ, हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। वर्कआउट तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ घर में, हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ठीक चल रहा हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा वॉक पे चल दें। तो मैं वॉक पर आ गया अपने घर के पास जहाँ पर ना फॉरेस्ट है, जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, अबाउट 430 एकर्स का फैला हुआ है ये। और यहाँ से मैं अपने स्कूल जाता था स्कूल टाइमिंग पे, तो मुझे वो वाला मतलब उस रूट पे जाने का मन हो गया। यहाँ पर आया तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार उसी रूट पे चलते हैं। तो वेलकम यू ऑल जी, मैं यूट्यूब चैनल, आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं भी कुछ अच्छा करने में लगा हुआ हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो जी ये जहाँपना फॉरेस्ट बहुत बड़ा है जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे वैसे नीलगाय हैं और स्नेक्स भी हैं, बहुत कम देखने को मिले बट हैं, और पता नहीं और जानवरों का। और सबसे खतरनाक जानवर तो हम इंसान ही है जो यहाँ पे घूम रहे होते हैं। फिलहाल तो अभी कोई नहीं है, वैसे भी ठंड का टाइम है, इस वजह से भी शायद थोड़ा खाली है, कम है लोग हैं बट थोड़े कम हैं। तो अभी ये जॉगिंग ट्रैक है जिस पर मैं चल रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक आ गया हूँ तो थोड़ा सा स्कूल तक भी हो जाऊँ, एक बार चक्कर काटाऊँ। बाहर से तो देख कर आ ही सकते हैं थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। और अच्छा लग रहा है यार, मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो अच्छा लगता ही है बट थोड़ा सा सुनसान सा भी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। बचपन में क्या होता है, हम थोड़ा सा ना बेवकूफ़ टाइप होता है, हमें उतना ज़्यादा ना पता नहीं होता। और पहली बात बचपन में होता ही क्या हमारे पास, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा कोई नहीं। जय बजरंग बली। तो अभी मैं आपको थोड़े से सिनेमैटिक दिखाता हूँ यहाँ से। वैसे यहाँ पे एक हॉरर मूवी बहुत बढ़िया सी शूट हो सकती है, और मेरे घर के पास ही यही है। मैं क्यों इससे इतने टाइम से दूर रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, बट अभी घूमने मज़ा आ रहा है। और सारी पुरानी सी यादें हैं ना, वो सारी इमेजिनेशन सी आ रही है, मतलब बढ़िया लग रहा है। यहाँ से हम जाते थे तो वो वाला सीन सारा आँखों में आ रहा है, जहाँ मोस्टली मैं तब सर झुकाता था जब मेरा रिजल्ट होता था ना, दरगाह पीर शायद ख्वाजा जलालुद्दीन चिश्ती अलिया जी की। और यहाँ में तभी मतलब मैं वैसे तो यहीं से ज़्यादा निकलते थे, ये रूट से आते थे या फिर इधर से ही, जहाँ से मैं तो आपको दिखाया यहाँ से आते थे। बट यहाँ मैं सबसे ज़्यादा दुआएं तभी करता था जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता था रिजल्ट वाले दिन स्कूल में। तो ये रहा जी एंट्री गेट, अब उस पार जी के टू। तो हम आ गए अपने स्कूल के पास जो कि वोरा जी के टू में फ्रॉम अ शॉर्टकट। और ये जो चर्च देख रहे हो, ये सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल, यहाँ पर हम अपने बैग डाल के पड़े रहते थे जब मैं गाड़ी में जाता था, और यहाँ पर हम चर्च में आते रहते थे क्योंकि हमारी गाड़ी वाला बहुत लेट आता था। बढ़िया है ये भी, अभी तो खुला नहीं है, शायद बंद है, जब खुलेगा तो किसी दिन आएंगे ज़रूर यहाँ पे। बढ़िया, बट ये रहा स्कूल, बंद पड़ा है, जब खुलेगा तो किसी दिन यहाँ का चक्कर भी काटेंगे। आखिरकार हम यहाँ तक आ गए। इस रोड से बहुत ख़तरनाक और बहुत पुरानी यादें जुड़ी है, बढ़िया बढ़िया सी। सही है, ये गेट है जहाँ से हम निकलते थे छुट्टी में ज़्यादातर, और बंक होता था यहाँ पे, ग्राउंड है, जब खुलेगा तब अंदर जाएंगे, अभी फ़िलहाल तो बाहर से ही। शोर बहुत ज़्यादा हो गया था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उस वजह से, तो मैंने वहाँ ज़्यादा बना नहीं पाया। वो वैसे भी बाहर से क्या ही दिखाता, किसी दिन अंदर से ही घुमाएंगे जब जाएंगे। तो बढ़िया है यार, आज सही मुझे लग रहा है, मैं सही घूमने निकल आया। पैदल पैदल बाइक पे घूमने जाता तो पता नहीं कहाँ ही कहाँ जाता, पैदल एक तो सही से घूमना भी हुआ कैब है,
पैदल एक तो सही से घूमना भी हो गया, ऊपर से बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई मुझे लिटरली वहाँ जाने में ना रोड पर। मतलब अंदर से ना बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बैग वैग जैसे वहाँ टंगा के घूमते रहते थे ना। हाँ मतलब जैसे बैग वैग वहाँ टंगा के घूमते रहते थे ना, मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी जैसे जो चल रहा है कई, मतलब मेरे भाई की भी ना 12th ऐसी ख़त्म हो गई, स्कूल भी नहीं आना पड़ा उसे, बाहर से ही करना पड़ गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो अपनी लाइफ जी है ना 12th वाली, जो स्कूल की लाइफ जो होती है एक 11th 12th में जो हम जीते हैं, वैसे तो पूरी स्कूल की लाइफ ही बढ़िया होती है, बट 11th 12th की जो लाइफ होती है ना वो स्कूल में ही ना कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती होती है, और सबसे ज़्यादा मेमोरीज और पूरी लाइफ की मेमोरीज ना आई थिंक हम उसी क्लास में बनाते हैं। बट जिनकी क्लास ऐसे कंप्लीट हो गई है कोरोना में ऑनलाइन मोड के थ्रू, वो ये वाली लाइफ नहीं जी पाए जो हमने जी है मज़े से, बहुत खतरनाक और ढंग से खुल के। वैसे फ़ोन में मेरी दिक्कत है, इसमें ना स्टेबलाइजेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ सी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो में सिनेमैटिक और वैसे भी ना चलते हुए बताने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बट कोई नहीं, मैं देखूँगा थोड़े टाइम में, क्या पता चेंज कर ही लें, जब तक तो इसे काम चलाना पड़ेगा, कोई नहीं देखो। आप है ना अगर एक साइकिलिंग और अलाउड कर देना तो मज़ा आ जाएगा, साइकिलिंग और एक कैंपिंग भी, कैंपिंग भी स्टार्ट कर दो तो और भी मज़ा आ जाएगा। फिर हम यहीं पे रुक सकते हैं, बगल में घर है, बगल से कूद कर आओ, सामान लाओ, यहाँ पे टेंट गाड़ो और मज़े से। बट नहीं अलाउड, ना साइकिलिंग अलाउड है ना ही कैंपिंग अलाउड है, बट कर देनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया बंदा नया धोया सा खड़ा हुआ है रोड पर, क्या हुआ खो गया? बढ़िया लगता है बंदा अगर शांत सुनत रहे तो, भौंकने लग जाते हैं ना फिर अच्छे नहीं लगते, दूर से अच्छे लगते हैं। इसके मैं पास से निकल रहा हूँ, देखो कितना सही लग रहा है ना ये। तो जी घूमते घूमते बाहर को तो आ ही गए हैं, अब कुछ ज़्यादा नहीं, देखूँगा एक लस्सी का पैकेट ले लूँगा घर जाके पी लूँगा, और थोड़े बहुत चिनअप्स मारने की कोशिश करूँगा, मारूँगा नहीं। और मैं यहाँ पे ये तो कर नहीं सकते किसी और को फ़ोन पकड़ा के बोल दो कि भाई मेरी वीडियो बना दो, क्योंकि पता नहीं पीछे से बंदा, आजकल ज़माना कुछ ज़्यादा बढ़िया हो गया ना, फास्ट फॉरवर्ड टाइप। चिकन लपेटते हुए अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ठीक रहें सेफ रहें, लाइफ से कभी भी कुछ एक्सपेक्ट ना करें, अकेले खुद पर ही भरोसा ना रखें, कई बार दिक्कत हो जाती है, कोई नहीं। बाकी इसमें राघव सियार साइनिंग ऑफ राइट नाउ, सी या। मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर भरोसा ना रखें तो भी कुछ करते रहें, भरोसा रखो खुद पे, बट ये मत करो हमेशा कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं मतलब मैं ही बाहुबली हूँ, उसको भी ज़रूरत पड़ गई थी, तो कोई नहीं। मैंने मास्क लगा लिया क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ, तो वहाँ भीड़ नहीं थी, खाली था, तो इसलिए मैंने मास्क हटा रखा था क्योंकि वहाँ खाली था, पूरा दिखा दिया मैंने आपको। अब यहाँ भीड़ है जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, मैं एग्ज़िट पर आ गया हूँ तो इसलिए मैंने मास्क लगा लिया, तो इसका ध्यान रखना भाई, ये जान बचाता है, वरना बहुत बुरी हालत हो जाती है।